Rika Kashyap Khan. Welcome back to my YouTube channel. So again, I'm here with my new YouTube video. आज की वीडियो बहुत 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 ज्यादा स्पेशल है आप सबके लिए भी और मेरे लिए, क्योंकि आपकी रबी काशिफ खान ने लिया 24 आवर्स का चैलेंज। अगले 24 घंटे तक इस्तेमाल करने वाली है सिर्फ और सिर्फ रेड कलर। पहनूंगी भी रेड, खाऊंगी भी रेड और चीजें भी रेड इस्तेमाल करूंगी। बहुत मजा आने वाला है, फुल वीडियो जरूर देखना। और अब मैंने सोचा है कि मैं आप लोगों को टारगेट्स दिया करूंगी कि इतने लाइक्स मिलने चाहिए, इतने कमेंट्स चाहिए, ताकि आप लोग कोशिश जरूर करो। तो इस वीडियो पे मैं देती हूँ आप लोगों को 50K लाइक्स एंड 20K कमेंट्स। हो जाएगा ऐसा? कोशिश तो कीजिएगा, चले कोशिश ही कर लीजिए। और कमेंट सेक्शन में जल्दी जल्दी रेड हार्ट भेजिए ताकि मुझे पता चले कि मेरे फैंस को बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की वीडियो। ओह गॉड, सुबह सुबह नहीं उठा जाता मुझसे, मतलब जितनी भी कोशिश कर लो नहीं उठा जाता। लेकिन आप लोगों के लिए आज मैं सुबह उठी हूँ यार, तालियां बजाओ मेरे लिए। तो जैसे कि आप सबको पता है, सुबह उठने के साथ ही हम करते हैं ब्रश और फेस वॉश, तो उसकी भी मैंने तैयारी करके रखी हुई है। ये बस कोलगेट आ गया है रेड कलर का, बस मुझे ब्रश नहीं मिला। मैंने बहुत कोशिश की रेड ब्रश ढूंढने की, लेकिन मुझे बिल्कुल भी नहीं मिला, मतलब कहीं से भी नहीं मिला। खैर हो गई, अब मैं इसी ब्रश को इस्तेमाल कर लेती हूँ। और आप लोग देख सकते हैं कि मैंने जो है रेड कलर का नाइट सूट भी पहना हुआ है, रेड हेयर बैंड भी लगाया हुआ है। व्हाइट आ रहा है, इसको थोड़ा अवॉइड करना, लेकिन ये मैंने शुरू से प्रिपरेशंस करके रखी हुई थी कि मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैं चैलेंज के लिए कितना सीरियस हूँ। वाओ यार, ये रेड अंदर से देखो। और ये रेड टूथपेस्ट मुझे इतना मजे का लगता है कि जल्दी खा जाऊं। वो कर लिया है और आप लोग पीछे से देख रहे होंगे कुछ रेड रेड सा नजर आ रहा है, तो उस पे मैं आप लोगों की नजर दिलवा दूं कि कितना प्यारा रूम मेरा रेड रेड लग रहा है। कितना प्यारा लग रहा है, इतना क्यूटू लग रहा है, बस रेड टेडी बियर भी था। तो आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप लोगों को कितना 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 अच्छा लगा मेरा रूम। और अभी मुझे ब्रेकफास्ट करना है, अभी मेरा ब्रेकफास्ट आएगा, मेरे भाई लेके आएंगे, मैं नवाबों के नाच का आ चुका है। हाय उजा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आपी, थैंक यू मेरी खातिरदारी करने के लिए। आपने नाश्ता किया? गुड बॉय, चलिए उधर रख दे। ब्रेकफास्ट आ चुका है और स्ट्रॉबेरी जैम है मेरे पास। ब्रेड को मैं रेड नहीं कर सकी, इसलिए ब्राउन ब्रेड, ये ब्राउन कलर की ही रहेगी। तो जल्दी से हम ब्रेड पे स्प्रेड कर देते हैं। एक ही खाऊंगी, एक से ज्यादा तो बिल्कुल भी नहीं। सच बताऊं तो मुझे मैंगो जैम बहुत पसंद है, स्ट्रॉबेरी बिल्कुल नहीं पसंद, लेकिन चैलेंज के लिए स्ट्रॉबेरी जैम खाना पड़ रहा है। जैम को मैंने स्प्रेड कर दिया है अपनी ब्रेड पर, मैं इसको खाऊंगी। ब्रेकफास्ट हो चुका है और अब मैं सोच रही हूँ कि अब मैं मेकअप कर लेती हूँ आप लोगों के साथ मिलकर, अच्छे से कपड़े पहन कर रेड रेड और आप लोगों को दिखाती हूँ। तो आइए मेकअप करना स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास मेकअप में भी बहुत प्यारी प्यारी रेड सी चीजें हैं, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये लिप ग्लॉस, ये रेड पेंसिल, जो कि मुझे आप लोगों को पता है हमेशा होंठ बनाने में पेंसिल की जरूरत होती है, लिप पेंसिल की। ये है मेरे पास रेड नेल पॉलिश, जो कि अभी मैं नेल्स पर करूंगी। और ये बस रेड पोनी, ऐसे मैं हाथ में डाल दूंगी। और ये बस सिर्फ और सिर्फ रेड ये वाला ही ब्रेसलेट है, तो इसलिए मुझे ये सारे रिमूव करने पड़ेंगे। रेड ब्रेसलेट मैंने अपने हाथ में पहन लिया है और ये रेड पोनी अभी एहतियातन हाथ में पहन लेती हूँ। और मेरे पास है ये ब्यूटी ब्लेंडर भी रेड कलर का, बस स्टिक जो है वो रेड कलर की नहीं, क्योंकि अगर रेड कलर की अगर मैं स्टिक लगा ली तो मैं बंदर लगूंगी। है और कॉन्टोरिंग जो हमेशा मैं ब्राउन से करती हूँ, लेकिन आज मैं रेड से करूंगी क्योंकि रेड कलर ही अलाउ है मुझे इस्तेमाल करने के लिए। तो इसलिए रेड से कॉन्टोरिंग करके देखते हैं कि कैसी होती है, भूत ना लगूं इसमें। कॉन्टोरिंग मेरी डन हो चुकी है और यार रेड से भी बहुत अच्छे से कॉन्टोरिंग हो जाती है। ब्लश का कलर भी रेड है, अक्सर लोगों के पास रेड नहीं होता, लेकिन लकीली मेरे पास रेड है।
सजना है मुझे सजना के लिए। पर भी मैं रेड शेड लगाऊंगी ये वाला। आज मैं बिल्कुल लाल परी बन गई। Hours later. यार ये आइडिया मुझे पहले क्यों नहीं आया? एक मस्त आइडिया है, बताती हूँ मैं आप लोगों को। ये मेरे पास मैगी है और ये है मेरे पास रेड फूड कलर। अभी आप लोग देखिए इसका जादू। और ये आप लोग देख सकते हैं कि ये जो है मेरे पास नॉन स्टिक की पतीली, ये भी रेड कलर की है। ये स्पून भी रेड कलर की है। ये हम मैगी को डालेंगे और शाम के टाइम मतलब ज्यादा हैवी भी नहीं होगा और मैं इजीली खा लूंगी। अब मैं इसके अंदर रेड फूड कलर डाल रही हूँ ताकि मेरे नूडल्स जो है वो रेड कलर की हो जाए। मैं टेरेस पर आ गई हूँ थोड़ी ताज़ा हवा लेने के लिए, क्योंकि नीचे बहुत ज़्यादा एसी में बैठ के मैं बहुत थक गई थी। तो इसलिए मैंने सोचा कि यार थोड़ा बाहर आ जाऊँ, थोड़ा मौसम का भी मज़ा लिया जाए। और मैं रेड स्नैक्स के साथ ऊपर आई हूँ और रेड बीन बैग, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ आज रेड चीज़ें ही इस्तेमाल कर सकती हूँ। ये जो रेड टाइड, रेड ड्रेस, रेड स्टिंग, रेड कुरकुरे। हाँ ये बेटा भी रेड शर्ट पहन के आ गया। अरे मेरा क्लासेस लिया है ना, तो बैठ दो बल्कि अपनी चेयर लाओ। मयूर खान साहब भी आ गए रेड कपड़े पहन के, तो चलें आपको भी खिला देते हैं हम कुरकुरे, खा लें। वैसे सच बताओ तो स्टिंग मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद, लेकिन ये चैलेंज की वजह से मुझे स्टिंग भी नहीं पड़ रही है। जब तक हम ये पीते जब तक हमारी मैगी भी तैयार हो जाएगी। अरे आप अच्छी लगती है, गंदी है ये, कैसे पी लेते हैं आजकल के लोग। खैर छोड़ो, हमारी मैगी बन गई होगी। चलो नूडल्स जो है वो तैयार हो चुके हैं गाइस, ये देख सकते हैं आप लोग रेड रेड। वाओ इस फूड कलर ने तो आज बड़ा साथ दिया है, मानी देख रहे हैं आप। रेड ही बॉल में रेड ही नूडल्स, लेके मैंने बहुत कोशिश की कि मुझे रेड फोक मिल जाए लेकिन मुझे कहीं नहीं मिला। और बात आप लोगों को बताती हूँ, मेरे पास रेड स्पाइडरमैन वाला ऐसा ही कप था लेकिन वो अभी कोल्ड ड्रिंक लाते लाते टूट गया, इसलिए मुझे इसी से काम चलाना पड़ेगा। अभी हम जल्दी से नूडल्स खा लेते हैं, बहुत भूख लग रही है, सुबह इतना सा नाश्ता किया था। नूडल्स वगैरह हमने खा लिए हैं और अब मैं सोचूं कि यार शाम का भी, मैंने ऊपर भी चले गई, मैंने खाना भी खा लिया और सब चीजें हो गई, लेकिन मैं बाहर नहीं गई, तो आज मैं आप लोगों को बाहर भी लेके जाऊंगी और वहां देखते हैं कि अगर मुझे रेड आइसक्रीम मिल गई तो वो भी मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। तो आइए बाहर चलते हैं।
सो सॉरी गाइस, रेड दुपट्टा नहीं ओढ़ सकती थी इसलिए मैंने ब्लैक जल्दी जल्दी में ओढ़ लिया, क्योंकि बाहर जाना है और ऐसे ढक छुप के ही बाहर जाना है। अब भैया मुझे ऐसी जगह लेके चल जाओ, या तो मुझे रेड आइसक्रीम मिल जाए या तो रेड जूस। कहाँ से लाऊंगी जगह, तो ये चैलेंज भी बेकार लग रहा है। बेकार तो नहीं है, लोगों से पूछना इतना मजा आएगा, लोगों इतनी मेहनत की तुम्हारी बहन ने। मैं दुकानदार को बोलूँ की मुझे रेड जूस दे दो या रेड आइसक्रीम दे दो, बोले भाई पागल ही आ गए दुकान पे उसे लेने। मैंने ना रेड रेड चीजें मंगवाई तो ना शॉप वाले अंकल कहते हैं कि क्या हो गया, रेड पिकनिक बना रहे हो, इतनी सारी रेड रेड चीजें लेके जा रहे हो। सो गाइस, अब चलो, अब करना तो पड़ेगा, तो अभी टाइम भी नहीं है, जल्दी से मैं के खाते, चलो चलो चलते हैं। फालसे का ना कैसा होता फालसे का? लाल कलर का होता, मुझे नहीं लगता कुछ लाल कलर का होता ना फालसे का, फालसे का बना। चलो गाइस, हमने एक एक लाल चीज ले ली। क्या बोल रहे थे? हमारी किस्मत ही खराब है, लाइट ही चले गई यार। अब कहाँ ढूंढे, अब छोड़ो लंबी है। आगे अंधेरा अंधेरा। भाई देखो मेरे लिए क्या लेके आया है। वाह भैया, थैंक यू, शुक्र कुछ तो मिला ना। मच मच लेटर। आप लोग देख सकते हैं आज मैंने रेड इफेक्ट्स चलाए मैं अपने पूरे रूम में, कितना प्यारा लग रहा है। वाओ, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप लोगों को कितना अच्छा लग रहा है। फिर मैंने बहुत अच्छे से स्पेंड किया है, मतलब मैं बाहर से भी होके आ गई, मैंने रेड रेड चीजें भी खा ली, रेड रेड पहन भी लिया, और अब मैं सोचू सो जाऊं, लेकिन उससे पहले सोचू कि मूवी देख लेते हैं फिर उसके बाद सोएंगे। Two hours later. ये देख ली पूरी? नहीं देखी, जल्दी से जाके देखो। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब भी कर लेना, और उम्मीद है तुम लोगों को पसंद आई होगी मेरी आज की वीडियो। सो जल्दी जाके कमेंट सेक्शन में बताओ, बहुत सारा प्यार बरसाओ, और मैं सो रही हूँ। टाटा, बाय बाय, बाय बाय।